जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं जीटीए सैन एंड्रियास। जैसे कि आप सभी लोगों को याद ही होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में यार हमने एक बहुत ही ज्यादा महंगी लिमिटेड एडिशन कार चुराई थी सेजर के कहने पे। तो गाइस आज हम लोग गेम को वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं एंड उसके बाद मैं अपने घर आ गया था यार, क्योंकि यार पुलिस वालों से भी बचना था। तो हाँ मजा आने वाला, फटाफट से गेम के अंदर चलते हैं। एंड यार उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है भाई उसको दबा दो, क्योंकि अपने को बहुत ही जल्दी भाई 10K हिट करना है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। एंड हाँ अभी अभी मेरे को भाई सेजर का कॉल आया था, उसने ना मेरे को गाइस एक बहुत ही मस्त बात बताई है। मतलब हाँ गाइस उसको ना यार मिल गया वो वाला डीलर जो कि यार हमसे वो वाली गाड़ी खरीद सकता है जो कि हमने यार लास्ट वाले एपिसोड में चोरी करी थी। एंड हाँ गाइस उसने मेरे को कहा ना गाइस कि यार मैं फटाफट से उस वाली कार को लेकर के ना भाई उसके यार दूसरे वाले घर पे पहुंचूं जो कि यार उसी वाले एरिया के साइड में है जहां पे हम लोग यार कुछ दिनों से रुके हुए थे। मतलब हाँ गाइस एंजल पाइन, यस एंजल पाइन ना गाइस एक पूरा का पूरा विलेज वाला एरिया है। एंड हाँ गाइस मेरे को ना भाई सेजर ने अभी के अभी बुलाया है, तो हाँ यार फटाफट से घर से बाहर निकलते हैं एंड कार लेकर के चलते हैं भाई उसके घर। यार मैं अपने घर से बाहर आ चुका हूँ, अब यार फटाफट से गैरेज से गाड़ी निकालते हैं बाहर। लेट्स गो गाइस। तो ये है वो वाली कार भाई जो हमने लास्ट टाइम चोरी करी थी। एंड भाई एक बारी लुक देखो भाई इसकी, मतलब भाई क्या लगती है भाई, साउंड क्या प्यारा है भाई इसका। लेट्स गो, इसको मैं बाहर निकालता हूं सबसे पहले तो, एंड उसके बाद आप सभी को दिखाता हूं भाई क्या तगड़ी कार है ये। तो हां यार अब मैं आप सभी को दिखाता हूं भाई इस वाली कार की यार सामने से लुक, ये देखो भाई क्या लगती है भाई। एंड एक बारी ना भाई इसे बर्न आउट करके दिखाता हूं, ये देखो भाई भाई मतलब मजा सही आ जा रहा है गाइस। एंड इसको तो भाई एक बारी नचा भी दिया जाए। लेट्स गो गाइस, बहुत ज्यादा पागलपंती हो चुकी है। अब यार फटाफट से गाड़ी लेकर के यार पहुंचते भाई एंजल पाइन। एंड हाँ थोड़ी आराम से लेकर के जाएंगे एंड पुलिस वालों से भी बचा करके लेकर के जानी है। मतलब हाँ उतना तो वो लोग अभी यार नहीं पहचानेंगे, बट हाँ दिक्कत हो सकती है भाई, वो जगह ना बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब हाँ अभी तक तो हम लोग भाई आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे। एंड हाँ गाइस अच्छी खासी डिस्टेंस पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से ना अपने कोई सुपर वाले फ्लाईओवर पे जाना है। एंड हाँ उसका रास्ता भाई इधर से जा रहा है, लेट्स गो फटाफट से गाड़ी भगाते हैं। तो अभी ना गाइस हम लोग एकदम एंटर करने वाले भाई हाईवे पे। एंड हाँ गाइस उसके बाद तो भाई गाड़ी जाने वाली भाई बहुत तेज। लेट्स गो, यहाँ से अपने को इधर जाना है। एंड हाँ सामने पुलिस वालों की गाड़ी, लेट्स गो यार वो तो लेफ्ट चली गई, अपने को राइट जाना है। एंड हाँ गाइस अब मैं यार गाड़ी बहुत तेज भगाने वाला हूँ, एक सेकंड रुको यार, यहाँ पर कुछ बंदों की गाड़ियाँ हैं, एक काम करते हैं पहले इनको भाई साइड से हटने देते हैं। लेट्स गो, अपन लोग की गाड़ी निकाल देते हैं, अब निकलेगी भाई अपनी गाड़ी बहुत तेज भाई साहब। लेट्स गो लेट्स गो, रुको रुको रुको, आएगा नहीं नहीं अपनी बार सामने ही जाना है, सामने से रास्ता है। एंड वैसे भी यार गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है एंड गाड़ी पलट भी सकती है, तो स्पीड कम ही कर लेते हैं भाई, अगर यार डैमेज वैमेज हो गई ना भाई बेमतलब ही तो यार अलग ही दिक्कत हो जाएगी भाई। रास्ते मैंने एकदम पूरा फॉग सा छा रखा है। एंड हाँ गाइस हम लोग ना उस वाले विलेज के पास पहुंच चुके हैं। एंड मेरे को ना भाई यहाँ पे तो और आराम से गाड़ी चलानी होगी। मतलब हाँ गाइस विलेज के जो ड्राइवर्स होते हैं ना भाई वो एकदम अलग ही टाइप के नशे करके गाड़ी चला रहे होते हैं, मतलब ऐसे ही ठोकेंगे ना भाई गाड़ी, मतलब पता ही नहीं लगेगी गाइस यार गाड़ी अभी यहाँ से मतलब नई खरीदी है या फिर भाई कूड़ा कबाड़ा यार कचरा दुकान से उठाई है। मतलब हाँ गाइस कुछ ऐसी सी लगती है। लेट्स गो गाइस, ऐसे हम लोग घर यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। जिस हिसाब से उसने मेरे को लोकेशन बताई थी यार उसका घर यहीं कहीं पे होना चाहिए। यहाँ से अपने को ना यार लेफ्ट जाना है, यहाँ पे जो लास्ट वाला घर है ना गाइस यही है गाइस उसका। लेट्स गो फटाफट से यार गाड़ी ना भाई इस वाले गैरेज के अंदर एंटर करा देते हैं। लेट्स गो यार ये रहा उसका गैरेज, फटाफट से यार गाड़ी अंदर लेकर के चलते हैं एंड उसके बाद हम लोग इसके घर के अंदर चलते हैं। तो यार हम लोगों ने यार गाड़ी तो अंदर पार्क कर दी, अब यार फटाफट से घर के अंदर चलते हैं एंड सिस्टर से बात करते हैं। गाइस 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 रात के 11 बज चुके हैं। एंड हाँ मेरी भाई सिस्टर से बात हो चुकी है भाई अपनी, ना बहुत ज़्यादा लंबी बात चली। मतलब हाँ गाइस बात कुछ ऐसी है ना यार कि वो जो डीलर है ना भाई वो आज तो नहीं आया, बट वो ना यार कुछ दिनों में यार आकर के गाड़ी ले जाएगा। बट हाँ गाइस सिस्टर ना भाई यहाँ से जा चुका है, क्योंकि गाइस यार उसको ना उसका कुछ काम था। एंड हाँ गाइस उसने ना मेरे को एक रेस के बारे में बताया जो कि यार आज ना भाई यहाँ पे होने वाली है एंजल पाइन में। मतलब हाँ यार एक ऐसा बंदा है ना भाई जिसने यार यहाँ के रेसर्स को ना यार चैलेंज करा है कि यार जो भी उसको हरा देगा ना भाई वो उसको उसकी मुंह मांगी कीमत देगा। तो यार फिर मैंने सिस्टर से पूछा कि यार हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या, तो उसने मेरे को कहा यार पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं बट हाँ अपने पास यार कार नहीं है। एंड जब मैंने उससे इस कार के बारे में पूछा ना गाइज तो उसने मेरे को एकदम साफ मना कर दिया कि नहीं गाइज अगर ये वाली कार डैमेज होगी ना यार तो बहुत मोटा खर्चा बैठ जाएगा। गाइज यार मैं अगर सच्ची बताऊँ ना तो मेरे को यार बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इस वाली रेस को करने का, इसलिए नहीं कि यार मेरे को प्राइस मनी जीतना है, इसलिए क्योंकि मेरे को उसका घमंड तोड़ना है। मतलब भाई इतना घमंड अच्छा नहीं है भाई। तो गाइज यार काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया भाई कि हम लोग इस वाली रेस को करने वाले हैं। एंड हाँ अपने को भाई अब यार कोई नहीं रोक सकता, मेरा मन कर गया भाई अब हम लोग भाई फटाफट से गाड़ी निकालते हैं। एंड लोकेशन वोकेशन ना मैंने उससे पता कर लिया भाई, तो टेंशन की बात नहीं है, फटाफट से पहुँचते हैं। लेट्स गो, गाड़ी मैंने बाहर निकाल लिया गाइज, फटाफट से इसको लेकर के चलते हैं उस वाली लोकेशन पे जहाँ पे वो वाली रेस होने वाली है। एंड हाँ गाइज मैंने ना भाई लोकेशन टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें भाई सेजर से पता कर ली है। एंड जब उसने मेरे से पूछा भाई कि यार मैं ये सब क्यों जानना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको बस यार ऐसे ही बोल दिया। एंड हाँ गाइज भाई थोड़ा झूठ तो हो रहा है बट हाँ टेंशन की बात नहीं है। एंड उसने मेरे को और एक बात ये बताई है ना गाइज कि वो जो ट्रैक है ना भाई रेसिंग ट्रैक वो ना थोड़ा ऑफ रोड वाले एरिया में, एंड ये एक स्पोर्ट्स कार है। मतलब हाँ गाइज
तोड़ फोड़ तो होने वाली है भाई, थोड़ी सी तो होने वाली है भाई। मेरे को ना मेरे पर पूरा का पूरा भरोसा कि मैं उस वाली रेस को जीत सकता हूँ। मतलब हाँ गाइस, मेरे पास एक ऐसी कार है ना भाई जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, एंड हाँ ये एक लिमिटेड एडिशन कार है तो और किसी के पास होने भी नहीं वाली, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा मेरे को लगता है। तो हाँ गाइस, इसको फटाफट से रेसिंग वाले लोकेशन पे पहुँचते हैं एंड देखते भाई क्या होता है क्या नहीं। तो यार हम लोग पहुँच चुके हैं उस वाली लोकेशन पे जहाँ से वो रेस स्टार्ट होने वाली है, एंड यहाँ पे तो भाई कोई है ही नहीं। एक सेकंड रुको, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया ना? अरे हाँ, उसने मेरे को कहा था गाइस यार रेस इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होने वाली, कम से कम यार 2:30 बजे स्टार्ट होने वाली भाई, वो भी रात के। तो यार तब तक ना मेरे को भाई यहाँ पे वेट करना पड़ेगा भाई। ऑलराइट गाइस, तो यार काफी देर वेट करने के बाद फाइनली अपनी रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, एंड जो सबसे आगे बंदा है ना गाइस रेड वाली कार में, वो ये वो बंदा। एंड हाँ गाइस, मेरे को ना भाई अपनी गाड़ी बहुत तेज भगानी पड़ेगी। एंड वैसे वेट, मेरी गाड़ी क्या हवा में उड़ रही है भाई। लेट्स गो लेट्स गो, मैं ना भाई एकदम फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका हूँ, एंड हाँ मेरे को भाई यही मेंटेन करके रखनी है। भाई साहब मैं क्या चला रहा हूँ भाई गाड़ी, ओ तेरी ओ नो, तो मेरे को ना बस यार गाड़ी कहीं पर गिरानी विरानी नहीं है। एंड हाँ गाइस, गाड़ी में ना भाई छोटे वोटे लगना चालू हो चुके हैं, जैसा कि मेरे को बोला गया था भाई कि यार यहाँ पे ना भाई ऑफ रोड ट्रैक्स है पूरे के पूरे। एंड हाँ गाइस, इधर ने मेरे को ये बात यार बताई थी भाई साहब, रोडों पे ना भाई और भी बंदों की गाड़ियाँ चल रही है, तो यार ऐसे रोडों पे जाना भी यार खतरों से खाली नहीं है। एक शॉट लगाना, मतलब एक बंदा अगर गलती से अपने पे गाड़ी ठोक दे ला करके तो दिक्कत हो सकती है। मैं खुद ही अपनी गाड़ी तोड़ रहा हूँ गाइस, लेट्स गो। बट हाँ गाइस, अब रेस मेरे को जीतनी है, मतलब जीतनी है गाइस, मतलब हाँ गाड़ी हल्की से टूट जाएगी पर टेंशन की बात नहीं गाइस, अब मेरे को भाई भगानी है गाड़ी बहुत तेज। लेट्स गो, हम लोग ना गाइस रोडों पे आ चुके भाई, मेरे को ना कैसे भी करके ये वाली रेस जीतनी है जीतनी है। ओ नो भाई, सच में भाई मेरे को नहीं लगा था कि यार ये गाड़ी इतनी फास्ट है, मतलब गाइस यार कोई गाड़ी भाई दिख तक नहीं रही है भाई अपने पीछे। एंड यार मेरे को लगा था यार कि रेस बहुत ज्यादा हार्ड होगी, बट नहीं यार ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक ये इसकी मैक्स स्पीड है, मतलब हाँ जिसमें मैं अभी चला रहा था, मतलब हाँ गाइस मैक्स स्पीड में तो ये गाड़ी भाई उड़ती होगी यार, जैसा कि मेरे को लग रहा है। मतलब हाँ गाइस, ये थोड़ी सी टूट फूट भले गई है, बट यार ऑफ रोड में भी एकदम यार धमाल मचा रखा भाई इसने, मतलब कोई गाड़ी भाई सच्ची में अपने आस पास तक नहीं है। मेरे को सच में भाई ये रेस ना एकदम ईजी लगने लगी है भाई, वो भी इस कार की वजह से। मतलब हाँ ऐसी कोई नॉर्मल कार होती ना गाइस तो आई डोंट थिंक कि वो यार इतनी तेज चल पाती। एंड हाँ वो तो अच्छा हुआ यहाँ पे बैरियर्स लग रखे थे, वरना तो मैं एकदम नीचे ही जाने वाला था भाई अभी पानी में ही। लेट्स गो गाइस। एंड हाँ भाई, मैंने भाई सच में भाई बहुत देर से गाड़ी चला रहा हूँ, एंड मेरे ख्याल से ना भाई हम लोग एंडिंग एंड तरफ यार पहुँचते जा रहे हैं। एंड वैसे वेट यार, सच्ची में भाई मेरे को नहीं लग रहा कि यार और कोई मेरे से जीत पाएगा, मतलब हाँ गाइस सच्ची में कोई मेरे आसपास एकदम नज़र तक नहीं आ रहा। ओ तेरी, मेरे को ना भाई ड्राइविंग पे फोकस करना चाहिए, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है अपने को, और अच्छे से ड्राइविंग करते। लेट्स गो भाई, क्या ठोकी है भाई अपनी गाड़ी भाई, बहुत गंदा वाला, मतलब गंदे वाला खर्चा बैठने वाला है, बट हाँ भाई टेंशन की बात नहीं, रिपेयर करवा लेंगे भाई गाड़ी। लेट्स गो, यहाँ से आगे चलते हैं, एंड यहाँ से भाई अपने को इधर जाना है। ऑलराइट भाई, हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं भाई। गाइस यार मैं ना बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, एंड हाँ गाइस सुबह भी होने वाली है, एंड हाँ यार मैं ना भाई काफ़ी देर से ड्राइविंग किए जा रहा हूँ। एंड ये गाड़ी भाई देख लो भाई, एक बार हालत देख लो यार गाड़ी की। एंड हाँ यार आई गेस हम लोग यार रेस जीतने वाले। ओ नाइस, ये भाई फिनिशिंग लाइन, लेट्स गो। तो यार ये वो बंदा जिसने यार यहाँ के रेसर्स को चैलेंज करा था। एंड हाँ गाइस, इसने मेरे को भाई अपना मनी ऑफर करा, बट मैंने यार साफ मना कर दिया है। तो यार जिस बंदे ने अपने को चैलेंज करा था ना यार, वो तो यहाँ से जा चुका है, बट हाँ गाइस अपनी गाड़ी भाई एकदम खत्म सी हो गई है यार। एंड अब इसमें यार आई डोंट थिंक यार कुछ बचा भी है। गाइस गाइस गाइस, गाड़ी को ना फटाफट से नीचे लेकर के चलते हैं, एंड किसी रिपेयर शॉप से भाई, अच्छी सी रिपेयर शॉप से यार इसको रिपेयर करवाते हैं। मतलब हाँ गाइस, गाड़ी एकदम मतलब पूरी यार कूड़ा हो गई है भाई, मतलब कूड़ा कचड़ा जो भी बोल लो भाई इसको, मतलब देख रहे हो भाई हालत कैसी सी हो गई भाई गाड़ी की। पीछे वाला बंपर भाई नाचे जा रहा है यार, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। एंड हाँ गाइस, उस बंदे ने ना यार मेरे को उसके पैसे ऑफर करे, बट मैंने एकदम साफ मना कर दिया कि मैं बस तेरा घमंड तोड़ने के लिए आया था यहाँ पे रेस करने के लिए, बाकी तो पैसा अपने पे बहुत है। एंड हाँ यार, यहाँ के एक बहुत ही अच्छे रिपेयर वाले बंदे, रिपेयर शॉप वाले बंदे को मैं जानता हूँ, क्योंकि अच्छे से अपनी गाड़ी रिपेयर कर देगा एंड सस्ते में भी रिपेयर कर देगा। गाइस यार मेरे को ना भाई इस बात को सोच करके डर लग रहा है कि यार अगर सेजर ने भाई इस गाड़ी को इस हालत में देख लिया तो उसकी क्या हालत होगी भाई। मतलब हाँ, उसने इस गाड़ी को भाई मिलियंस में बेचने का सोच रखा है, एंड इस हालत में तो ये 5 रुपए की भी नहीं बिकेगी। तो यार मैं लेकर के आ चुका हूँ अपनी गाड़ी को उस वाले एरिया में जहाँ पे वो वाली रिपेयर शॉप। भाई क्या कर रहे यार यहाँ के बंदे, एक बंदे को भाई पूरा का पूरा उड़ा दिया इस गाड़ी वाले ने। चलो ठीक है यार, टेंशन की बात नहीं है। एंड वो वाली रिपेयर शॉप सामने के लिए है, लेट्स गो फटाफट से चलते हैं, गाड़ी रिपेयर करवाते हैं भाई अपनी। यहाँ से अपने को लेफ्ट जाना, मैं इस वाले जब एरिया में आया था ना गाइस, तो मैंने देखी तो थी यार वो वाली रिपेयर शॉप, आई गेस यहाँ पे। हाँ यार ये रही भाई वो वाली रिपेयर शॉप, फटाफट से यार अंदर लेकर के चलते हैं इसको, एंड हाँ गाड़ी रिपेयर करवाते हैं अपनी। तो यार मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर करवा ली, एंड इसका ना मैंने थोड़ा सा यार कलर भी चेंज करवा लिया है। एंड हाँ गाइस, जब सामने वाले बंदे ने मेरे से यार पैसे मांगे ना भाई, तो यार मैंने उसको गंदी खा दी थी, तो हाँ अगले ने मेरे से पैसे नहीं लिए, मेरे को नहीं पता क्यों।
छोड़ो भाई उन सब बातों को। एंड हाँ गाइस, गाड़ी का मैंने जो कलर चेंज करवाया, मतलब हायर, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि गाड़ी अब ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर तब ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड हाँ गाइस, अपना भाई इस वाली गाड़ी को एकदम आराम से ले जा करके भाई सजर के घर में पार्क कर देते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। भाई यार ये वाला एरिया ना भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, देखा मैंने, ऐसे ऐसे ड्राइवर्स के लिए बोल रखा है। वैसे मैं ही भाई अजीब सी गाड़ी चला रहा था। लेट्स गो गाइस, फटाफट से गाड़ी भगाते हैं एंड पहुँचते भाई सजर के घर। एंड आई होप कि उसको यार कुछ भी ना पता चले, अगर उसको पता चल गया ना भाई तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाने वाली है। मतलब हाँ गाइस, गाड़ी का ना मैंने एक तरीके से मतलब ना स्पीड दिया था, पूरा का पूरा बढ़ाया यार, अब एकदम भाई नई जैसी हो गई है गाड़ी। इसको ना यार समझ नहीं आ रही, मतलब हाँ यार एक हल्की सी टक्कर क्या लग गई यार, उतर के भाई बैट बल्ला दिखा रहा है भाई, एक गोली मार दूंगा ना अभी भाई कहाँ चले जाएगा भाई, पता भी नहीं लगेगा। एंड भाई ट्रैक्टर भाई खेत में चलाना भाई, रोडों पे चला रहा है बंदा। वो वाओ गाइस, यहाँ पे एक टनल है। एंड वैसे हाँ ये ना भाई पहाड़ को काट करके बना रखी है भाई। गाइस गाइस गाइस, तो मैंने अपनी गाड़ी यार टनल से बाहर निकाल ली है, अब यार फटाफट से इसको लेकर के चलते हैं। एंड पीछे ना भाई पुलिस वालों की गाड़ी थी, बट यार अपने को डरने की बात नहीं है, क्योंकि गाइस यार गाड़ी ना मैंने एकदम मतलब मेन सिटी से चोरी करी है भाई, लॉस एंटोस से, और वहाँ की पुलिस से अपने को दिक्कत है। एंड वैसे भी मैंने गाड़ी का कलर तो चेंज करा ही लिया है, एंड मैंने मास्क भी पहन रखा है, तो यार कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई बिल्कुल। तो यार मैंने गाड़ी लेकर के भाई सजर के घर पहुंच चुका हूँ। एंड अभी अभी ना मेरे को भाई एक बात रियलाइज, तू पहले गाड़ी निकाल ले यार, निकाल ले तब मैं लेकर के चलता हूँ भाई अपनी गाड़ी। हाँ यार, तो मेरे को ना भाई अभी अभी एक बात रियलाइज हुई है, अगर यार सजर मेरे से पूछेगा भाई कि यार गाड़ी का कलर कैसे चेंज हुआ, तो मैं उसको क्या बोलूंगा। चलो ठीक है यार, वो सारी तो यार बाद की बात है, बाद में देखी जाएगी। एंड अभी यार फटाफट से भाई गाड़ी अंदर पार्क करते हैं। एंड यार हम लोग भाई इसके घर पे आज रुक जाते हैं भाई। तो यार मेरे ख्याल से आज की इस वाली वीडियो में इतना काफी होगा गाइस। एंड यार नेक्स्ट वाला एपिसोड का वेट जरूर से करना, नेक्स्ट वाला एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा। एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार। तो यार आज की इस वाली वीडियो में तो इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए और भी काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, तो जाकर के देखो यार। एंड हाँ नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, तो यार उसका भी वेट जरूर से करना। नेक्स्ट एपिसोड अगर जल्दी चाहते हो तो यार वो भी आप लोग यार कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार, क्योंकि अपने को यार बहुत ही जल्दी भाई 10K ऐड करना है। लेट्स गो, आज की इस वाली वीडियो में तो इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड गुड गुड।